नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे परागण तथा निषेचन। पिछले चैप्टर में छूटा हुआ था, उसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं, परागण। देखिए, परागण क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। परागण परागण क्या होता है कि परागकण का, ठीक है, परागकण का पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। तो जो पराग कोष होते हैं, इस तरह से हमने फिगर में उसमें दिखाया था, ठीक है, यहाँ से निकल करके जो वर्तिकाग्र होता है, ये संरचना बनाई जाती है इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप की जो संरचना बनी होती है, ये हिस्सा आपका वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है। तो इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्व परागण और दूसरा होता है पर परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि स्व परागण क्या होता है। स्व मतलब स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब परागकण किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब परागकण ये हिस्सा, यहाँ से ये परागकोष है, इससे जब परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा, तो क्या होगा, स्व परागण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब स्व परागण के लिए युक्तियां हैं कुछ, ठीक है। तो क्या युक्तियां हैं, स्व परागण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां या साधन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, मतलब क्या मॉडिफिकेशन होता है इस टाइप के पौधों में कि उनमें स्व परागण जो है इजीली हो जाए, ठीक है। तो जो ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है ना, वे क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांग के एक ही पुष्प में विद्यमान होने से स्व परागण के अवसर बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उनमें जो जननांग होते हैं वो दोनों एक ही पुष्प पर विद्यमान होते हैं, इसलिए स्व परागण जो है आसानी से होता है। दोनों जननांग होने का क्या कारण होगा कि परागण के लिए नर और मादा जननांग होना आवश्यक है, ठीक है। द्विलिंग अगली जो युक्तियाँ हैं वो क्या है कि द्विलिंगी पुष्प में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, तभी जो है स्व परागण संभव हो पाएगा, क्योंकि दोनों जब साथ में नहीं मैच्योर होंगे तो स्व परागण हो ही नहीं पाएगा। पता चलेगा कि एक एक पुष्प पर एक बार पहले नर जननांग परिपक्व हो रहा है और बाद में मादा जननांग, तो स्व परागण होने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सरसों, मटर, चना आदि, ठीक है। तो देखिए, अब क्या है कि स्व परागण से क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। स्व परागण से क्या लाभ है, तो पुष्पों में स्व परागण के कारण ही पौधों का वंश चलता रहता है, ठीक है। तो पहला तो ये लाभ हो गया कि परागण के कारण ही जो है पौधों का वंश चलता है। दूसरा क्या लाभ है कि स्व परागित पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा क्या लाभ है कि स्व परागण पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परागण के लिए ही कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग पौधों को पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो रंगीन होती हैं और वे सुगंध उत्पन्न करते हैं और मधु उत्पन्न करते हैं, ताकि कीट जो है क्या हो उस पर आकर्षित होकर के आकर के बैठें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि स्व परागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अगला नंबर ये हो गया। तो अगला लाभ क्या है इसका कि स्व परागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्व परागण के लाभ हैं, ठीक है। अब लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं कि स्व परागण में क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो पहला नंबर क्या है हानि में, कि स्व परागित बीजों से बने पौधे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें जीन का आदान प्रदान तो होता नहीं है, इसलिए इनसे बनने वाले पौधे क्या हो जाएंगे, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब देखिए,
नंबर दो जो हानि है, तो संतति में रोग उत्पन्न करने की क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो जो रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली जाती है। अगला नंबर क्या होगा कि उत्पन्न बीज भार में हल्के, संख्या में कम तथा कमजोर होते हैं, और इस क्रिया में उत्पन्न बीज उत्तम कोटि के नहीं होते, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे स्व परागण हो रहा है, तो इनमें कोई जीन विनिमय तो होता नहीं है, एक ही पौधे में परागकण अपना एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसमें नए कोई लक्षण आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है कि पर परागण। अब हमने स्व परागण पढ़ लिया था, दूसरा नंबर क्या है, पर परागण। ठीक है, तो पर परागण क्या होता है, देखिए, जब जब परागकण पराकोष से निकल करके उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि परागकण, ठीक है ना, ये पराकोष को दिखाया गया है, तो पराकोष से परागकण निकल करके, ठीक है, जब यह ये तो फिगर हमने लिया था जो है जंतु परागण के लिए, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी जात के, ठीक है, जब किसी दूसरे पुष्प के, दूसरे पौधे के पुष्प पर जब ये परागकण पहुँचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। तो इस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पर स्व नहीं पर परागण हो जाएगा। ठीक है, पर परागण कहते हैं, अर्थात दोनों पुष्प चाहे वे एक लिंगी हों या द्विलिंगी या अलग अलग पौधे पर लगे हों, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए स्व पराग पर परागण की विधियाँ। ठीक है, तो पर परागण जो है कई तरीके से होता है, तो कुछ इसके जो प्रकार हैं उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, वायु परागण। तो वायु परागण क्या होता है, पुष्प में वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। ठीक है, तो पुष्प में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जैसे मक्का आदि में वायु परागित पुष्प में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, तो वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। नंबर दो पॉइंट क्या है कि वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। और अगला नंबर क्या है कि वाह दल एवं दल या तो नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। इसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर वाह दल बड़े रहेंगे तो वायु परागण होने में समस्या होगी, क्योंकि हवा में ही उड़ करके परागकण जाते हैं, और जब वाह दल बड़े रहेंगे तो वर्तिकाग्र पर उसको पहुँचने नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। और अगला पॉइंट क्या है कि परागकण छोटे शुष्क एवं हल्के होते हैं। परागकण देखिए अगर छोटे रहेंगे तभी तो इजीली उड़ेंगे, शुष्क रहेंगे तभी वो आसानी से उड़ पाएंगे, हल्के होते हैं, तो ये तीनों जो मॉडिफिकेशन है इनके उड़ने में सहायता करता है, क्योंकि वायु परागित हैं पुष्प, तो वायु द्वारा ही उड़ करके परागकण जाएंगे, तो इसलिए इस टाइप का मॉडिफिकेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, जंतु परागण। तो सीधी सी बात है, जंतुओं द्वारा पुष्प में होने वाले जो परागण होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जंतु परागण कहलाएंगे, और इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो जंतु परागित पौधे कहलाते हैं। ठीक है ना, तो जंतु परागण साधारणतः कीटों, पक्षियों, घोघों, चमगादड़ों आदि द्वारा होता है। ठीक है, तो कुछ हमने स्पेशल एग्जाम्पल लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि मधुमक्खी द्वारा जो है किन पौधों में परागण होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्किड और बोगनविलिया आदि में होता है। ठीक है, और मक्खियों द्वारा किस में होगा, रेशम और स्कॉलियोपस में होता है। ठीक है, और तितली द्वारा कहाँ पे होगा, लिली डायंथस, शलभ। शलभ ये तितली की ही एक टाइप की एक प्रजाति होती है, तितली से छोटे होते हैं ये, तितली जैसे होते हैं। तो इनके द्वारा कहाँ कहाँ पे परागण किया जाता है, तंबाकू और धतूरा में। ठीक है, बर्रे, बर्रे जो पीली वाली बर्रे होती हैं, जो पीली वाली मधुमक्खी हैं जिनको हाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो बर्रे द्वारा किस में परागण होता है, अंजीर में होता है। घोंघा द्वारा कहाँ पे होता है, जिमीकंद या सर्प पादप। ठीक है, और चींटियों द्वारा कहाँ पे परागण होता है, कदम्ब में, और चमगादड़ द्वारा कचनार में होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो है कि
कुछ जंतुओं द्वारा जो है कहाँ कहाँ पर परागण किन किन पौधों में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मधुमक्खी है, ठीक है। मधुमक्खी क्या कर रही है, इस पुष्प पे बैठ रही है। इस पुष्प पे जब बैठेगी तो उसमें क्या होगा कि जो परागकण होंगे इसके पैरों पर, पंखों में, ठीक है, ये चिपक जाएगा। और जब ये कीट जो है, ये मधुमक्खी फिर पुनः दूसरे पुष्प पर जाएगी तो वही परागकण जो इसके पैरों में चिपके हुए थे वो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों द्वारा भी दिखाया गया है और तितली द्वारा भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए क्या होता है कि जल परागण क्या होता है, अगला पार्ट जो प्रकार है पर परागण का, जल परागण। तो जलीय पौधों में ही जल परागण होता है, स्थलीय पौधों में तो होगा नहीं जल परागण, तो जलीय पौधों में ही जल परागण होता है। तो इनमें क्या होता है कि इसमें एक पुष्प के परागकण जल द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, जल परागण कहलाएगी, ठीक है। तो जल परागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हाइपोहाइड्रोगिमस और दूसरा होता है एपीहाइड्रोगिमस। तो दोनों में अंतर समझिए क्या है। जो हाइपोहाइड्रोगिमस है तो इसमें परागण जल के अंदर होता है, हाइपो मीन्स अंदर होता है, ठीक है। तो जो हाइपो हाइड्रोगिमस है, हाइड्रो मीन्स होता है जल, ठीक ना, तो गेमस मतलब आप टाइप से समझ सकते हैं। तो हाइपो हाइड्रोगिमस का मतलब ये हो गया कि ऐसे पौधे, ऐसे जलीय पौधे जिनमें जब परागण परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपो हाइड्रोगिमस कहलाएगा। जैसे नयास या सिरोटोफिल्लम, ठीक है। अगला अगला प्रकार क्या है कि एपी हाइड्रोगिमस, ठीक है। एपी हाइड्रोगिमस में क्या होगा कि इसमें परागण जल की सतह पर होता है, जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला आदि पौधों में। इनमें क्या होगा कि परागकण जल की सतह पर ही तैरते रहते हैं। जैसे देख लीजिए ये क्या है, हाइपो हाइड्रोगेमस। इसमें देखिए क्या होगा कि जो परागण पराकी कण रहेंगे वो क्या होते हैं कि जल की जो सतह होगी, जल की जो सतह होगी, ठीक है, उसके अंदर ही परागकण निकलेंगे और परागण क्रिया संपन्न होगी। यहाँ पे देखिए ये आपका मेल फ्लावर है, ठीक ना, ये मेल फ्लावर है और यहाँ पे क्या होगा, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर होगा। अब ये परागकण निकल करके यहाँ इस वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो ये जल के द्वारा ही इतनी मात्रा में रहते हैं कि ये जल में ही घूमते रहते हैं और यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है जलीय पौधों में, ठीक है। तो जलीय पौधों में जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे, जलीय परागण कहेंगे। और जलीय परागण कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, हाइपोहाइड्रोगिमस यानी कि जो जल की सतह के अंदर होता है, एपी हाइड्रोगिमस जो जल की सतह पर होता है। अगला टाइप क्या है, अब देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कि पर परागण के क्या लाभ हैं। तो पर परागण के भी जो है स्व परागण की तरह कुछ लाभ हैं और इसकी भी कुछ हानियाँ हैं। तो पहले हम लाभ को देखते हैं। तो पहला लाभ क्या है कि इसमें रोग प्रतिरोधी पौधे अधिक उत्पन्न होते हैं, ठीक ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्र के पौधों के, जो अलग अलग पौधों के जो जीन रहेंगे वो आपस में एक्सचेंज होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी। अगला लाभ क्या है कि ये हानिकारक लक्षणों को पृथक कर देते हैं, क्योंकि मंडल ने बताया था पृथक्करण के नियम में जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही अगली पीढ़ी में दिखा देते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगला लाभ क्या है कि नई किस्मों का उत्पादन होता है। जाहिर सी बात है जब दो अलग अलग पौधे आएंगे तो उनमें उनसे एक नया पौधा बनेगा जो संकर पौधा होता है और वो एक नई पीढ़ी का होगा। अब अगला अगला पॉइंट क्या है कि इसमें अच्छे स्वस्थ पीढ़ी प्राप्त होती है। स्वस्थ पीढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि नए नए इसमें लक्षण उत्पन्न होंगे जिससे ये पीढ़ी क्या होगी, वातावरण में सबसे मतलब वातावरण के अनुरूप होगी, इसीलिए इसको स्वस्थ पीढ़ी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि संतति में जीवन संघर्ष की क्षमता अधिक होती है। जब जब क्या होगा, जब अच्छी स्वस्थ पीढ़ियाँ होंगी प्राप्त होंगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें जो जीवन संघर्ष की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक होगी, ठीक है। अब देखिए
अब तो हमने लाभ देख लिया, अब इसकी भी कुछ हानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो इनकी भी हानियाँ देख लेते हैं। तो पहली हानि क्या है कि ये परागण जो पर परागण होगा, इनमें जो पौधे होंगे वो संकर होंगे, यानी कि शुद्ध नस्ल के नहीं होते। इनमें जो अलग अलग पौधे हैं तो अलग अलग लक्षण भी इसमें मिक्स होंगे, जो इनमें बीज उत्पन्न होंगे वो संकर टाइप होंगे। संकर मतलब मिक्स लक्षण वाले। अगला पॉइंट क्या है कि जो हानिकारक प्रभावी लक्षणों की का संतत में होने की संभावना बनी रहती है। लक्षण देखिए समाप्त नहीं होते हैं, जो भी हानिकारक लक्षण रहते हैं वो दबे हुए पड़े रहते हैं। तो जब मंडल का पृथक्करण का नियम होगा तो ये लक्षण क्या हो जाएंगे, बाहर दिखने लगते हैं। अगली हानि क्या है कि परपरागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु हो या फिर वायु हो या फिर जल हो, इस टाइप की आवश्यकता होगी परपरागण के लिए। तो ये भी एक प्रकार की हानि ही है। मान लीजिए कि कोई जंतु परागण पुष्प है और कोई, या कीट परागित पुष्प है, वहाँ तक कोई कीट पहुँच ही नहीं पाया तो उसमें परागण की क्रिया सम हो ही नहीं पाएगी। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, हानि ही है। अगला पॉइंट क्या है कि परपरागण की क्रिया में कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को सुगंध और मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे क्या होगा उनमें अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए उनको सुगंध और मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी उनकी एनर्जी का लॉस होता है। अगला पॉइंट देखिए कि निषेचन। अब निषेचन देखिए, परागण की क्रिया संपन्न होगी, परागण का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब निषेचन को हम पढ़ते हैं। निषेचन क्या होता है, देखिए जनरली आप निषेचन को इस तरह से समझते हैं कि जो इसमें दो युग्मक रहेंगे, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। आप इसको इस तरह से इंडिकेशन द्वारा समझ सकते हैं, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। युग्मक मतलब जो युग्मक होते हैं उनकी कोशिका हैप्लॉयड होती है, ठीक ना, आधे गुणसूत्र होते हैं उनमें, ये युग्मक कहलाते हैं। अब इन युग्मकों के जो मिलने की प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या कह सकते हैं कि इसको निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो अब जब दो युग्मक मिलेंगे उसके दौरान एक कोशिका बनती है, ठीक है, ये कोशिका क्या कहलाती है, जायगोट कहलाती है। ये कोशिका जायगोट या युग्मक, युग्मनज कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। ये क्या है, युग्मक है, इनको क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे। और युग्मकों के मिलने से जो कोशिका बनती है वो युग्मनज कहलाती है, और इनके मिलने की प्रक्रिया ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है, ठीक है। यह क्रिया परागण पराकण के केंद्रक से बने नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित एक अंड कोशिका के संयोजन के द्वारा होती है, ठीक है। निषेचन को फिर से समझ लीजिए कि नर तथा मादा, ये नर ये मादा कि युग्मकों के मिलने के जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। अब द्विनिषेचन को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द्विनिषेचन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि द्विनिषेचन क्या होता है। तो आवृतबीजी पौधों में दो बार होने वाले जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वही द्विनिषेचन कहलाता है, ठीक है। आवृतबीजी पौधों में दो बार निषेचन की प्रक्रिया, दो बार निषेचन होता है, यानी कि दो कोशिकाओं में निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। तो जिसको क्या कहा जाता है, अंड कोशिका भी कहा जाता है, अंड कोशिका। ये सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका, सहायक कोशिका भी इनको कहा जाता है। ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जब परागनली इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, परागनली जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो नली में दो केंद्रक होते हैं, परागकण के दो केंद्रक बन जाते हैं। तो दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक जो है
ये एग सेल है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो पहली बार तो यहाँ पर निषेचन होता है और जो दूसरा केंद्रक है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे इसके दौरान जो निषेचन के दौरान जो कोशिका बनेगी वो जायगोट बनती है, ZYGOT जायगोट बनती है। और इससे यहाँ पे दो कोशिकाएं पहले से ही थी, एक यानी कि दो केंद्रक पहले से था, एक केंद्रक और जुड़ जाता है, तो इससे जो कोशिका बनेगी वो 3N बनती है। यही क्या बनती है, इसी को भ्रूणपोष कहा जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, और ये जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो देख रहे हैं हम कि एक बार जो कोशिका जो निषेचन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, एक सेल कोशिका के साथ होता है और दूसरा जो पोलर न्यूक्लिया, दो जो दो न्यूक्लियस हैं बीच में, इनके साथ एक निषेचन हो रहा है। तो दो बार निषेचन हो रहा है और इस इन्हीं दोनों निषेचन को दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, कुछ अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि जो है उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।